बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ प्रीसेप्टर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर राहील अहमद। लास्ट लेक्चर में हमने बाउंड्री ऑफ अ सेट को डिफाइन किया था और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसके कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स हैव ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स्ट्रा हमारे पास कोई सी भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए इसका कोई सा भी सबसेट है। देन रिजल्ट नंबर वन इज फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। मतलब किसी भी सेट की बाउंड्री उसके कोलाइजर और उसके कंप्लीमेंट के कोलाइजर के इंटरसेक्शन के इक्वल होती है। रिजल्ट नंबर टू फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। मतलब किसी भी सेट और उसके कंप्लीमेंट की जो बाउंड्री है वो सेम होती है। रिजल्ट नंबर थ्री इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। मतलब कि अगर हम किसी सेट में से उसकी बाउंड्री को एक्सक्लूड कर दें तब वो उसके इंटीरियर के इक्वल होती है। रिजल्ट नंबर फोर कोलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। मतलब कि अगर हम किसी सेट में उसकी बाउंड्री को इंक्लूड कर दें तब वो उसके कोलाइजर के इक्वल होता है। रिजल्ट नंबर फाइव ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड If and only if frontier of A is equal to 5। मतलब कि अगर कोई सेट एट अ टाइम ओपन और क्लोज भी है तब उसकी बाउंड्री एम्प्टी होगी। अगर किसी सेट की बाउंड्री एम्प्टी है तब वो सेट एट अ टाइम ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। रिजल्ट नंबर सिक्स फ्रंटियर ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ A इज क्लोज। अगर किसी सेट की बाउंड्री उस सेट में कंटेन कर रही है या उसका सबसेट है तब वो सेट क्लोज होगा। अगर कोई सेट क्लोज है तब उसकी बाउंड्री उसमें कंटेन करेगी। अब इनको प्रूव करते हैं। रिजल्ट नंबर वन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। मतलब किसी भी सेट ए की बाउंड्री उसके कोलाइजर उसके कंप्लीमेंट के कोलाइजर के इंटरसेक्शन के इक्वल होती है। तो इसको प्रूव किस तरह से करेंगे? इक्वेशन की बोथ साइड्स पे हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं दोनों को एक दूसरे में कंटेन अगर करवा दें तो दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। इसको वेन डायग्राम के थ्रू पहले देखते हैं। सपोज एक्स्ट्रा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस और ये सेट ए है हमारे पास, तो ये ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब सेट ए का कोलाइजर क्या होगा? ये सेट और इसकी बाउंड्री को भी अगर हम इंक्लूड करें तो ये इसका कोलाइजर हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट कोलाइजर हो क्या हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट के साथ उसकी बाउंड्री को भी इंक्लूड करें तो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास इसकी बाउंड्री आती है। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू फ्रंटियर ऑफ ए। हमने फ्रंटियर ऑफ ए में से पॉइंट लिया एक्स। अगर x जो है उसका बाउंड्री पॉइंट है या फ्रंटियर पॉइंट है ये कह सकते हैं, डेट इज x इज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ a। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट ऑफ a एवरी ओपन सेट u कंटेनिंग x हैज नोन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद a एंड a कंप्लीमेंट। अगर x जो है सेट a का बाउंड्री पॉइंट है तो पॉइंट x को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट a और a कंप्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन बनाएगा। हम सपोज करते हैं वो जो ओपन सेट है U है, दैट इज A इंटरसेक्शन U इज नॉन एम्प्टी एंड A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन U इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी U। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कोलाइजर ऑफ A इज इक्वल टू A यूनियन A डिराइव सेट। मतलब किसी भी सेट का कोलाइजर उस सेट और उसके डिराइव सेट के यूनियन के इक्वल होता है। अगर पॉइंट X जो है U से बिलोंग कर रहा है तो A इंटरसेक्शन U नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब पॉइंट X A से बिलोंग करेगा। अगर पॉइंट X A से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब पॉइंट X A का कोलाइजर से बिलोंग करेगा। फ्रॉम वन दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A कोलाइजर। इसी तरह इस रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं X जो है A कंप्लीमेंट के कोलाइजर से बिलोंग करेगा। पॉइंट X जो हमने फ्रंटियर ऑफ A से लिया था वो पॉइंट आया उसके कोलाइजर ऑफ A में से भी और कोलाइजर ऑफ A कंप्लीमेंट में से भी, तो इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट एक्स फ्रंटियर ऑफ ए से लिया था, वो पॉइंट एक्स आया कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। दिस इंप्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब हमने ये शो करवाना है कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट
फ्रंटियर ऑफ ए का सबसेट है। लेट एक्स बिलोंग्स टू कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। एक्स जो है कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। तब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू कोलाइजर ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं, कोलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव सेट। अगर पॉइंट एक्स जो है ए कोलाइजर और ए कम्प्लीमेंट कोलाइजर से बिलोंग करता है, तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं जो पॉइंट एक्स है सेट ए और ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट सो ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स हैज नोन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ए एंड ए कम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ पॉइंट एक्स जो है सेट ए का बाउंड्री पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू फ्रंटियर ऑफ ए। हमने पॉइंट एक्स लिया था कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट से, वो पॉइंट एक्स आया फ्रंटियर ऑफ ए से। दिस इंप्लाइज दैट कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ फ्रंटियर ऑफ ए। तो इससे पहले हमने ये प्रूव किया कि फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो इन दोनों रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो यही हमने प्रूव करना था। रिजल्ट नंबर टू, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, मतलब किसी भी सेट और उसके कम्प्लीमेंट की जो बाउंड्री होगी वह सेम होगी। अभी हमने रिजल्ट नंबर वन में एक रिजल्ट प्रूव किया है, वो क्या था हमारे पास, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, इसको नंबर वन कह लें। नाउ रिप्लेस ए बाय ए कम्प्लीमेंट, मतलब कि जहां पे ए है वहां पे ए कम्प्लीमेंट अगर हम रखें तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, फिर फ्रंटियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट कोलाइजर इंटरसेक्शन ए कोलाइजर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रंटियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, इसको नंबर टू कह लें। तो नंबर वन और नंबर टू से हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो यही हमने प्रूव करना था। रिजल्ट नंबर थ्री, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए, मतलब कि अगर हम किसी सेट में से उसकी बाउंड्री को एक्सक्लूड कर दें तो रिमेनिंग पार्ट उसके इंटीरियर के इक्वल होता है। टेक ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 10 में हमने सेट थ्योरी के एक रिजल्ट को वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव किया था, वो क्या था हमारे पास, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए होल कम्प्लीमेंट। वी ऑल्सो नो दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट। बाय डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए कोलाइजर यूनियन ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। हमारे पास सेट थ्योरी का एक रिजल्ट है, वो क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव। एज वी नो डैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए कोलाइजर देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड कम्प्लीमेंट ऑफ ए कोलाइजर इज इक्वल टू फाइव। दिस इंप्लाइज दैट फाइव यूनियन ए इंटरसेक्शन
कंप्लीमेंट ऑफ कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट. इस रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट फाई यूनियन ए माइनस कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट. दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट. दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए. ये हमने रिजल्ट प्रूव किया लेक्चर नंबर 10 में, तो यही हमने प्रूव करना था. रिजल्ट नंबर 4, कोलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए. मतलब कि अगर हम किसी सेट में उसकी बाउंड्री को इंक्लूड करें तो अपने कोलाइजर के इक्वल होता है. टेक ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए. रिजल्ट नंबर 1 में हमने प्रूव किया कि फ्रंटियर ऑफ ए इसके इक्वल होता है ए यूनियन ए कोलाइजर इंटरसेक्शन कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट. दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन ए कोलाइजर इंटरसेक्शन ए यूनियन कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट. जैसा कि हमें पता है कि ए जो है ए कोलाइजर का सबसेट होता है, तो इन दो सेट्स का जो यूनियन क्या हो जाएगा, ए कोलाइजर इंटरसेक्शन. और ये एक्सप्रेशन हमारे पास कैपिटल एक्स के इक्वल है, इसको हम अलग से प्रूव कर सकते हैं ए यूनियन कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट. जैसा कि हमें पता है कि ए कोलाइजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट के इक्वल होता है. दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन कोलाइजर ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट. दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट. दिस इंप्लाइज दैट यूनियन ऑफ ए एंड ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट. दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू एक्स. दिस इंप्लाइज दैट ए कोलाइजर और इंटरसेक्शन एक्स ए कोलाइजर के इक्वल है, तो यही हमने प्रूव करना था. रिजल्ट नंबर 5, ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5. मतलब कि अगर कोई भी सेट ओपन और क्लोज है तब उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी. अगर किसी सेट की कोई बाउंड्री नहीं है तो वो सेट ओपन और क्लोज होगा. हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि सेट ए हमारे पास ओपन भी है और क्लोज भी है, तब हमने ये प्रूव करना है कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. सपोज ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड. वी नो दैट हमारे पास दो थ्योरम्स हैं. एक थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए एंड ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए कोलाइजर इज इक्वल टू ए. अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर अपने आप के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ के साथ, और अगर कोई सेट क्लोज है तो उसका कोलाइजर अपने आप के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ के साथ. तो हमने सपोज किया सेट ए हमारे पास ओपन भी है और क्लोज भी है. इसका मतलब इसके दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए कोलाइजर. इन इक्वेशन से नंबर 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए कोलाइजर. तो रिजल्ट नंबर 3 और 4 में हमने ये प्रूव किया है, वो क्या है हमारे पास ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए एंड ए कोलाइजर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए. और आप देख सकते हैं ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब फ्रंटियर ऑफ ए यहाँ पे मैं एम्प्टी रखूंगा, तब ए इज इक्वल टू ए होगा. देन दिस इक्वलिटी होल्ड्स ओनली इफ फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5. तो यही हमने प्रूव करना था. अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं. अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर सेट ए की बाउंड्री एम्प्टी है तो वो सेट एट अ टाइम ओपन और क्लोज होगा. सपोज फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी, देन वी हैव टू शो दैट
ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। हमने रिजल्ट नंबर 3 और 4 में ये प्रूव किया है, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए एंड ए कोलाइजर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। ये हमारी सपोजिशन है कि फ्रंटियर ऑफ ए हमारे पास एम्प्टी है। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए एंड ए कोलाइजर इज इक्वल टू ए। तो थ्योरम हमें ये कहता है अगर किसी सेट का इंटीरियर अपने आप के इक्वल है तो वो सेट ओपन होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ओपन, और अगर किसी सेट का कोलाइजर अपने आप के इक्वल है तो वो सेट क्लोज होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इज क्लोज्ड। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए जो है एट अ टाइम ओपन भी है और क्लोज भी है। रिजल्ट नंबर 6, फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड। मतलब कि अगर कोई सेट अपनी बाउंड्री को कंटेन करता है तब वो सेट क्लोज होगा, और अगर कोई सेट क्लोज है तो वो अपनी बाउंड्री को कंटेन करेगा। देन सपोज फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए, देन वी हैव टू शो दैट ए इज क्लोज्ड। हमने अभी एक रिजल्ट को प्रूव किया है, वो क्या है हमारे पास, ए कोलाइजर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। दिस इंप्लाइज दैट ए कोलाइजर इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमारी ये सपोजिशन है फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई सेट अपने कोलाइजर के इक्वल है तब वो सेट क्लोज होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इज क्लोज्ड। तो यही हमने प्रूव करना था। इसका कन्वर्स पार्ट है हमारे पास, सपोज ए इज क्लोज्ड देन वी हैव टू शो दैट फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई सेट क्लोज है तो उसका कोलाइजर अपने आप के इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज दैट ए कोलाइजर इज इक्वल टू ए। अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया है, वो क्या है हमारे पास, ए कोलाइजर इज इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए, ए कोलाइजर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। और ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब फ्रंटियर ऑफ ए ए का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस इक्वलिटी होल्ड्स ओनली इफ फ्रंटियर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यही हमने प्रूव करना था। मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट के कुछ रिजल्ट्स को प्रूव किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।